मूर्खों की संगत से दूर रहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे आसपास जितने हैं वे मूर्ख हैं, जितना हम टीवी पे जिनको देखते हैं वे भी मूर्ख ही हैं। अब आपको कैसे लग रहा है कि ये मूर्ख नहीं है? आपको लग रहा होगा कि सभी समझदार हैं, काफ़ी तरक्की किए हुए आदमी हैं, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आप टीवी पे भी देखते होंगे, आपको हीरो या हीरोइन दिखाई देती होंगी, या फिर अपने समाज में रुतबा कमाए हुए आदमी दिखाई देते होंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, आपका दिमाग आपको धोखा पैदा कर रहा है कि ये सभी समझदार हैं। आपके जान पहचान वाले जितने भी जान पहचान के हैं, चाहे वो टीवी पे है, चाहे समाज में है, चाहे रिश्तेदारी में है, चाहे दोस्तों में है, ज़्यादातर 99.99% मूर्ख ही हैं। कैसे? आप एक बात समझें, अगर आपको दिव्य दृष्टि दे दी जाए और आप में ये काबिलियत आ जाती है कि आप किसी का भी पिछले जन्म देख सकते हैं, आगे किसी के साथ क्या होने वाला है वो आप देख सकते हैं, आप देखो, आप परखो कि जो आप के जान पहचान वाले हैं वो टीवी पे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपके भाई बंधु भी हो सकते हैं, आप जिनसे प्रेम भाव करते हैं वे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप किसी न किसी से प्रेम भाव रखते होंगे, वो भी मूर्ख ही हैं। अगर उनके अगला जन्म दिव्य दृष्टि से देखा जाए, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, थोड़े टाइम के लिए वो आज पैसे वाले हैं, या थोड़े टाइम के लिए आज वो सरकारी नौकरी वाले हैं, थोड़े टाइम के लिए आज वो कोई नेता है, थोड़े टाइम के लिए कोई हीरो है या हीरोइन है, तो कुछ टाइम के लिए ही आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका आगे आने वाला आप जन्म देखें या पिछला जन्म देखें, आपको उनकी दुर्गति दिखाई दे जाएगी। अब जब फ्यूचर ही किसी का गलत होने वाला है, फ्यूचर ही जिसका सेफ नहीं है, जो कुछ टाइम के बाद दुर्गति में जाने वाला है, तो क्यों इम्प्रेस हो रहे हो, क्यों उनके साथ मूर्ख बन रहे हो? उनको तो दुर्गति में जाना ही जाना है। भगवान ने जो आपको दिया है उसी में आप खुश रहना सीखें, और मूर्खों से दूर होके अपना उद्धार स्वयं करना सीखें, क्योंकि जिनको आप समझदार समझ रहे हैं वे दुर्गति को जाने ही वाले हैं। ये दिव्य दृष्टि आपको बता देगी, ज्ञान दृष्टि कहते हैं, या जिसका दिमाग पूरा विकसित हो चुका है, 100% डेवलप हो चुका है, वो आपको दिखा देगा। पूरा विकसित हुआ दिमाग पिछले पीछे क्या हुआ था और आगे क्या हुआ था सब कुछ दिखाने में सक्षम है। तो सभी जो जान पहचान वाले हैं वे आपके जब दुर्गति में जा रहे हैं तो आपको बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही द डायमंड सूत्र है, किसी भी तरीके से इस कुदरत से बचना, किसी भी तरीके से ऐसी दृष्टि डेवलप करना जिससे कि आपको आपके सभी जान पहचान वाले, चाहे वो टीवी पे हैं, चाहे वो आपके इस भौतिक जगत में हैं, चाहे वो आपके गांव में हैं, चाहे वो आपकी ड्यूटी पे हैं, चाहे आपके कोई स्टाफ के आदमी हैं, चाहे रिश्तेदारी के हैं, आखिरी में क्या पाओगे? दिव्य दृष्टि बिल्कुल खोल के या ज्ञान दृष्टि दिखा देगी कि सभी मूर्ख हैं। हे शुद्धात्मा, मूर्खों के साथ मूर्ख ना बने। हो सकता है आपसे उनके पास दो पैसे ज़्यादा हों, दो अच्छे कपड़े हों, लेकिन होने वाली तो उनकी दुर्गति है। हो सकता है आपके पास साइकिल हो और उनके पास गाड़ी हो, लेकिन होने तो उनकी दुर्गति ही है। थोड़े दिन के बाद जाने वाले तो वो दुर्गति को ही है। काफ़ी जन्मों तक ऐसे ही दुर्गति को प्राप्त रहेंगे। उनको इस कुदरत की तरफ से जेल दे दी जाएगी, किसी छोटी योनि में या कीड़े मकोड़े की योनि में, या किसी ज़्यादा दुखों को झेलने वाली योनि में जिसे शरीर कहते हैं, उसमें को डाल दिया जाएगा या खुद ही जाके वो डल जाएगा। तो जितने जान पहचान वाले हैं, ज़रा दूरी बनाएं, ज़रा दूर होएं, ये दूरी ही ज़रूरी है। इनसे दूर हो गए तो परम गति को पालोगे, गुरु संगत कर गए, उनकी बातों को मान गए, तो सुख को प्राप्त हो जाओगे, वरना दुर्गति में जाना
तो निश्चित ही है। तो सबसे पहले कीजिए, अपने दिमाग पे डाउट पैदा कीजिए। जो दिमाग इस दुनिया को, जो आपके जान पहचान वाले हैं, उनको बहुत उन्नत समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वे बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे आगे आने वाले टाइम में। कोई श्रेष्ठता नहीं है, मूर्खों के साथ मूर्ख होने से कोई समझदारी तो है नहीं। मूर्ख सभी है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो सभी मूर्ख ही है। जितने जो कुछ आपके दोस्त दिखाई दे रहे हैं, जिनको देख के आप दुखी हो रहे हैं कि वो परम गति को जाने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है कि वो कुछ आगे आने वाला, कुछ श्रेष्ठ करने वाले हैं, कुछ नहीं, ये तो थोड़ा चढ़ाव है कुछ टाइम के लिए, थोड़ी सी तरक्की हर आदमी की होती है, बाद में वो घूम फिर के नीचे गति को ही चला जाएगा। तो जो नीचे ही जाने वाला है, जो आने वाले टाइम में आपका दिमाग ये कह रहा है कि हमारे जान पहचान वाले बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, सब नीचे ही जाने वाले हैं, इसलिए जो नीचे जाने वाला होते हैं उनके रास्ते पे नहीं चलते हैं, ना ज़्यादा उनके साथ बैठ उठ करके टाइम ख़राब करते हैं, उनसे दूरी बना करके, उनसे समय की बर्बादी ना करके उनके साथ में गुरु संगत करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ जो वे जाने वाले हैं, जहाँ वे तो जाकर ही रहेंगे, आप कैसे रोक सकोगे उन्हें। तो ये पूरा समाज, आपके जान पहचान वाले कहीं नहीं जाने वाले, ये सब थोड़ा ड्रामा करके, थोड़े पैसे वाले बनके, थोड़े गाड़ी वाले बनके, ये सारे दुर्गति को ही जाने वाले हैं। अगर आपको दिव्य दृष्टि दे दी जाए तो सारा कुछ टाइम आगे का अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सब नीचे ही जाने वाले हैं। कोई कीड़ा बन रहा है, कोई बछड़ा बन रहा है, कोई टटीरी बन रहा है, कोई कुछ कुछ बन रहा है, तो कहाँ वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो आपकी जो गलत फहमी है कि जो आपके जान पहचान वाले हैं वो कुछ परम गति को जाने वाले हैं, बहुत बड़ी पदवी उनको प्राप्त होने वाली नहीं है, कुछ नहीं, थोड़े टाइम के लिए कुछ तरक्की हुई है, फिर वो दुर्गति में चले जाएंगे, इसलिए इनका साथ छोड़ करके अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए, इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। धीरे धीरे इनसे दूरी बनाओगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और इनकी दुर्गति दिखाई देने लगेगी, और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद में बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि दिव्य दृष्टि हकीकत दिखा देती है। तो बिना दृष्टि के, ज्ञान दृष्टि से आपको इस बात की अकल या शुद्ध नहीं आएगी कि ये कहाँ जाने वाले हैं। तो मूर्खों की संगत से दूर रहिए, आपके जान पहचान वाले मूर्ख ही हैं, चाहे वो कोई नेता क्यों ना हो, चाहे कोई सरपंच क्यों ना हो, चाहे कोई पैसे वाला ही क्यों ना हो, चाहे किसी के पास कितनी ही धन दौलत या कपड़े या गहने क्यों ना हो, कहीं नहीं जाने वाले, थोड़े दिन के बाद यहीं आ जाएंगे घूम फिर के, आपसे भी नीचे गति को चले जाएंगे। इनका साथ छोड़ो और परम गति के लिए यत्नशील रहो। और कितना समय ख़राब कर दिया इनके पीछे, आप जितनी भी आपकी उम्र है, 30 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, काफ़ी समय आपने ख़राब कर दिया इनके पीछे। अब इनके पीछे समय ख़राब ना करो, इनको खुश करने की कोशिश ना करो, इनसे इम्प्रेस मत होइए, इनमें कुछ नहीं रखा है, लास्ट में ये दुर्गति को ही, या कीड़े मकोड़े की योनि को ही, या कुत्ता बिल्ली की योनि को ही, या पंछियों की योनि को ही प्राप्त होने वाले हैं। इनकी ऐसी ही गति होने वाली है। दिव्य दृष्टि सही मार्गदर्शन करती है और उसी मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। तो आपको इस फटीक से, इस अलझेड़े से, इस प्रॉब्लम से और दुर्गति से आपको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बच सके तो बच लीजिए। धन्यवाद आज के लिए।